हेलो दोस्तों, क्यू रॉल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आग में लिट्टी चोखा कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है, जो बिहार और झारखंड की रेसिपी है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत पसंद की जाती है। तो आइए लिट्टी चोखा बनाना शुरू करते हैं। लिट्टी चोखा बनाने के लिए मैं सबसे पहले आटा गूंद करके तैयार करेंगे। इसमें गेहूँ का आटा, उसमें पानी या घी डालकर और स्वादानुसार नमक, अजवाइन मैश करके, एक चुटकी बेकिंग सोडा, इससे लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। अब आपको सबको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। इसके बाद चना का सत्तू लेंगे। जो सत्तू बनाने के लिए चना को फ्राई करके पीस लेते हैं। इसमें नमक, कद्दूकस करके अदरक, अचार का मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, एक चम्मच सरसों तेल, नींबू का रस, सबको अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद स्टफिंग तैयार करेंगे। अगर आपका स्टफिंग सूखा लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। उसके बाद जैसा साइज चाहिए गोल गोल लोई बनाएंगे, कटोरी जैसा उसमें बनाकर स्टफिंग को भरेंगे। उसके बाद सारे आटे को लोई बनाकर कटोरी जैसा उसमें स्टफिंग को भरकर रेडी कर लेंगे। देखिए कैसे स्टफिंग को भरते हैं, आटे का लोई बना करके कटोरी जैसा उसमें स्टफिंग भर देते हैं। ऐसे ही सारे आटे को स्टफिंग भरकर रेडी करेंगे गोल गोल लोई बनाकर, जो आग पे बनने के बाद बहुत ही टेस्टी होगा। तो दोस्तों, मेरा स्टफिंग भरकर सारा लिट्टी तैयार है। तो अब मैं इसको बनाए हुए आग पे इसको रख कर पकाऊंगी। देखिए कैसे आग में हम लिट्टी बनाते हैं। आग के ऊपर रख कर ऊपर से कुछ आग ढक दीजिए, जिससे कि आपका लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम और अच्छे से पक जाएगी, जो खाने पे बहुत टेस्टी लगेगी। इसी आग में हमने आलू और बैंगन को पकाकर उसका चोखा बना लिया है। इसको बारी बारी से हम पलटकर पकाते रहेंगे, जिससे कि हमारा लिट्टी पूरी अच्छी तरह से पक जाए। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब लिट्टी बनकर तैयार है। उसमें हम घी लगाएंगे। घी लगाने पे ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और टेस्टी भी लगेगी। देखिए दोस्तों, हमारा लिट्टी चोखा बनकर तैयार है। चोखा बनाने के लिए हमने आग पे टमाटर और बैंगन को पका लिया था। उसमें स्वादानुसार नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, आप चाहे तो उसमें हींग का छौंका भी लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही टेस्टी चोखा बनता है। तो आप टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।